सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यह देखिए आप लोगों को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाया हूँ गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के पुत्र थे। अब चार दिए विकल्प बताइए कौन पुत्र था गांधी जी का, हरिलाल, मणिलाल, देवदास या सभी। इसमें आप कुछ देखना ही नहीं है। गांधी जी के चार बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और एक रामदास। इसमें तीन आपको लिख ही दिए हैं तो सभी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा सभी। अगला देखें, नटला इंडियन कांग्रेस, नटला इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था और कहाँ किया था, ध्यान देखें, ध्यान दें। तो नटला इंडियन कांग्रेस की स्थापना नेहरू ने किए थे कि मदन मोहन मालवीय ने किए थे कि मनमोहन मोहनदास ने किए थे कि अंबेडकर ने किए थे कि गांधी जी ने किए थे। तो आप नटला इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी के बारे में आप सुने होंगे, यह दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इसकी स्थापना किया था। जब डरबन से विक्टोरिया जा रहे थे तो ट्रेन से वहां के श्वेत लोगों ने ढकेल दिया था, तभी गांधी नाराज होकर के नटला इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी किया था। इसका जवाब हुआ गांधी जी। ठीक, अगला देखा क्वेश्चन, गांधी जी को कहां पर गोली मारी गई थी। तो गांधी जी को गोली चार विकल्प दिए हैं आपको, कलकत्ता में कि दिल्ली में कि गुजरात में कि इलाहाबाद में। तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी को गोली दिल्ली में मारी गई थी, दिल्ली में मारी गई थी। अगला क्वेश्चन देखें, दास कैपिटल किसकी पुस्तक है। तो दास कैपिटल की पुस्तक, इसमें आपको देखना ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स था, कौन था, कार्ल मार्क्स था। आगे देखें, छुआछूत समाप्त किया गया किस आर्टिकल के तहत, यानी किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत समाप्त किया गया। अधिकार पूछता है तो समानता का अधिकार जो 14 से 18 है, पहला समानता का अधिकार है। लेकिन अगर अनुच्छेद पूछता है तो आपका अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17 है, 18 तो आपको उपाधियां हैं। तो आपको अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त किया गया था। आगे देख रहे हैं, नवजीवन यह किसका पुस्तक है। नवजीवन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवजीवन यह किसका पुस्तक है, नरेंद्र मोदी का है कि मनमोहन का है कि राजेंद्र प्रसाद का है कि गांधी जी का है। तो नवजीवन नामक पुस्तक के लेखक कोई और नहीं है, गांधी जी है। कौन है, गांधी जी है, कोई और नहीं है। किताब ये नवजीवन गांधी जी का किताब है, गांधी जी तमाम बुक लिखे थे, नवजीवन लिखा, नवजीवन के बाद हरजन लिखा, हरजन सेवक लिखा, हरजन बंधु लिखा, इंडियन ओपिनियन लिखा, ऐसे तमाम पुस्तकें उन्होंने लिखा था। और आप लोगों के पहले मैंने बहुत क्लास में बोल दिया, वाला वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखें, सभा और समिति, सभा एवं भाषण, सभा और भाषण देने की जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, हम कहीं भी सभा कर सकते हैं, कहीं भाषण दे सकते हैं, तो किस अनुच्छेद के तहत आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अनुच्छेद 19 फर्स्ट के तहत, अनुच्छेद 19 दो के तहत, अनुच्छेद 19 तीन के तहत कि अनुच्छेद 19 चार के तहत। तो जो बच्चा पढ़ा हुआ क्लास में, हम बार बार बताए हैं, इसमें कुछ देखना ही नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, पहला समानता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है। तो 19 फर्स्ट में कहा गया है कि सभा और भाषण
कहीं भी व्यक्ति दे सकता है, पूरी उसको आजादी है, स्वतंत्र है वो। अगला देखें, पर्यावरण, पर्यावरण पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण आप देखें, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है कि 4 जुलाई को मनाया जाता है कि 5 जून को मनाया जाता है कि 6 जून को मनाया जाता है? इसमें आपको हर साल मनाया जाता है दिवस, और दिवस से आपसे एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, 5 जून को ही मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, 5 जून को ही मनाया जाता है। आगे देखें, सुरक्षा परिषद में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो आपको बताया कि सुरक्षा परिषद में कुल देशों की संख्या है 15, जिसमें से 5 अस्थाई हैं और 10 जो ना अस्थाई है। तो 5 अस्थाई देशों में कौन सा देश नहीं है उसको आपको बता रहा हूँ। एक ट्रिक बताए थे आप लोगों को, अभिरुचि फ्रा, अभिरुचि फ्रा, यहाँ देख लीजिए आप लोग, अभिरुचि फ्रा, ये ट्रिक था, ये ट्रिक है अभिरुचि फ्रा। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस, इतने देश जो थे वो अस्थाई थे सुरक्षा परिषद में। तो देख लीजिए कौन नहीं है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। आपका भारत देश जो है सुरक्षा परिषद के अस्थाई देशों में शामिल नहीं है, भारत नहीं शामिल है। अक्ता के मार मत देना, ये भारत शामिल नहीं। आगे देखें, गांधी जी पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ यह पूरा चुन के दे रहा हूँ, छाण के दे रहा हूँ। आप जो बच्चा पढ़ता होगा कंपटीशन, उससे पूछिएगा कि कहाँ कहाँ से मिलता होगा, ये एक दरी नहीं रखा है, कई जगह मैं आपको छाण कर तब देता हूँ 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन। तो गांधी जी का पहला जन भाषण कहाँ दिए थे यह देखना है, वाराणसी में दिए थे, लखनऊ में दिए थे, इलाहाबाद में दिए थे कि गुजरात में दिए थे? तो आपको कहीं देखना ही नहीं है। सबसे पहले जब काशी विद्यापीठ विद्यालय विश्वविद्यालय बना था, उसी समय गांधी जी ने वाराणसी में पहला भाषण दिए थे। ठीक, आगे देखें, आप लोगों को जो क्वेश्चन दे रहा हूं इसको रोजाना आप करेक्ट करते जाइए, लिखते जाइए, याद करते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा यही 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आपका 1000 में बन जाएगा, सैकड़ों में बन जाएगा। तब आप कहेंगे पूरा अच्छा हो गया, पूरा मुझे मालूम है। छोटे 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 क्वेश्चन आपको एक नोट बन जाएगा, और आप तैयार करते रहिए। परीक्षा तक मैं जो भी दे रहा हूँ कंठस्थ कर लीजिएगा, जो भी आपको दे रहा हूँ मटेरियल, यूट्यूब के माध्यम से आप हमारे जुड़िए और इसका भरपूर लाभ लीजिए। अगला वीडियो मैं कल आप लोगों को फिर दूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।